ये हमारे गांव के जो है एक मज़ार है, मखदूम शाह बाबा की मज़ार है। जब इस मज़ार पे लोग जो है ख़ास तौर से आज के दिन यानी कि जुमरात के दिन आते हैं, थर्सडे के दिन जो है लोग यहाँ पे आते हैं। अभी शाम हो रही है, लोग यहाँ चादर चढ़ाने आते हैं, लोग यहाँ पे अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने आते हैं, शाम के वक्त कैंडल जलाने आते हैं, दिन में भी लोग अगरबत्ती जलाने आते हैं। तो ये आज के दिन ख़ास तौर से यहाँ का जो नज़ारा है वो थोड़ा अलग होता है। ये हमारे गांव की मखदूम शाह बाबा की मज़ार है, ये यहाँ लोग काफ़ी लोग आते हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अच्छा सदलीपुर से आ रही हैं। तो हर आज के दिन मतलब हर बार आती हैं कि आज पहली बार आई हैं? नहीं तो तीन बार हो गए। अच्छा तो यहाँ पे मन्नत मांगने आती हैं? हाँ, अभी समझ। तो ये मखदूम शाह बाबा मन्नत जो है पूरी कर रहे हैं? हाँ, बहुत से की। हाँ, आज से नहीं सब दिन से, पुराने से। तो आप कितने साल से यहाँ आ रही हैं? अरे हमको 20 बारिश हुई है। हाँ, 20 साल से आप आ रही हैं? और का, बाल बच्चा सभी नहीं से तो पैदा हुए हैं। हाँ। ये कौन है, ये आपके बेटे हैं? नहीं, दामाद। अच्छा, ये आपके दामाद है, ये आपकी बेटी बेटी हैं। ये आए हैं भरवारी कैसी घर कोखरा। अच्छा, से कोखरा से आ रहे हैं आप? कोखरा जो हमारी खाला रहती हैं, वो है ना नजम, वो फकीर वस्त का गांव है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो अभी आप लोग मतलब खास तौर से आज के दिन आए हैं कि यहाँ जाने का? हाँ, मतलब, हाँ, ये लोग सब आते ही बच्चा है, मतलब लेट है, से अच्छा हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब तबीयत अगर खराब थी यहाँ से अच्छे हो गए? और का। अरे अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। भाई हमने कहा कि जरा देखते हैं हमारे गांव में मखदूम शाह बाबा की मज़ार है। हाँ हाँ हाँ, खास तौर से आज के दिन जो यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग, दिन में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आके चले गए होंगे। हाँ हाँ, आगे चलेंगे, हर बिफे आवत है। हाँ हाँ हाँ, आज के दिन तो खास तौर से लोग आते हैं ना, आज बिफे है, आज बृहस्पतिवार थर्सडे है आज। ठीक है, निकलिए आप लोग, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है ना। बहुत बाहर बाहर के आदमी आते हैं। हाँ हाँ, काफी लोग आते हैं, आवत हंसत जाते हैं मजार से, आज से नहीं बहुत पुरखाते से। अच्छा। लेकिन जितना जानकारी हो थी बतावा जाते कि भैया दुख है तो चलो मखदूम बाबा साहब से। तो तबीयत इनकी, इनकी तबीयत खराब थी? हाँ, इनका तबीयत देखो नहीं खोल के चला था टाँ टाँ। चलिए अच्छा है, चलो फोटो ठीक नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ये मज़ार है, यहाँ पे लोग जो है ये लोग यहाँ पे चादर चढ़ाने आते हैं, और इस तरह के लोग चादर चढ़ाते हैं, यहाँ पे लोग अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं, ये लोग आते हैं अगरबत्ती जलाने के लिए इस मज़ार पे। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे चादर चढ़ाने के लिए, अपनी मन्नत मांगने के लिए, दुआएँ मांगने के लिए। और ख़ास तौर से आज के दिन ये जो थर्सडे है, जो जुमरात है, जो बृहस्पतिवार है, गांव में लोग इसे बिफे कहते हैं, बिफे। आज जो है बृहस्पतिवार है, आज काफ़ी लोग आते हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि अभी शाम का वक्त हो गया है, यहाँ पे लोग दिन में आके चले गए होंगे, दूर दूर से लोग भी लोग आते हैं यहाँ पर। सभी गांव में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ गांव में ऐसा होता है जहां गांव में मज़ार होती है, जहां पे थर्सडे को लोग आते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं, अपनी लोग दुआएं और मन्नत मांगते हैं, मुरादें यहां पूरी होती हैं। अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि हम यहां कम से कम 20 साल से यहां पे आ रहे हैं, और जो कुछ भी यहां मांगते हैं वो सारी हमारी मुराद पूरी होती है। बच्चे की तबीयत ख़राब है, उसको लेकर के आई हैं, उन्होंने बताया कि यहीं से तो ठीक हुआ है और यहीं से तो जच्चा बच्चा हुआ है। तो ये इस मज़ार की जो है वो खासियत है, यहाँ पे थर्सडे को लोग आते हैं, जुमरात को लोग यहाँ पे ख़ास तौर से आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं, और साल में एक बार यहाँ पे जो है ना उर्स भी लगता है। यहाँ पे उर्स का जो दिन होता है, यहाँ पे अच्छी कव्वाली होती है, रात में कई सारे कव्वाल आते हैं, पूरी टीम आती है उनकी, लोग यहाँ बैठ करके कव्वाली सुनते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। गाँव के इस मखदूम शाह बाबा मज़ार की मैं आपको ज़्यारत करा रहा था, और दीमान छो के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करता हूँ, और ऐसे ही गांव के किसी हिस्से से आपको वाकिफ़ कराता हूँ, आपको रूबरू कराता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।